नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं नागपुर के जामठा परिसर में हूँ और मैं बताना चाहूंगा, ये जो है ये ब्रह्म कुमारीज का ये विश्व शांति सरोवर है, जामठा में स्थित है ये विश्व शांति सरोवर है। थोड़ा आगे आइए, देखो ये देख सकते आप, हरियाली छाई है यार, ये जो है ये परिसर में पूरी हरियाली छाई है। और जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो ओम शांति, हमें एक दादाजी मिलते हैं और वो हमारी एंट्री करते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र, बीके रामचंद्र। क्या बताना चाहोगे आप? हमको इतने बताना, हर सभी को ये परिचय भगवान का मिले, ये एक प्रेक्षणीय स्थल है, वो सभी को मालूम होना चाहिए क्या है यहाँ। 3D शो है, म्यूजियम है, नवरात्रि का देखा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी देखने लायक, सभी फैमिली सहित आ सकते, किसी को भी बुला सकते, यहाँ कोई धर्म जात लिंग भेद गरीब श्रीमान छोटा मोटा कोई भेदभाव नहीं है। निश्चित ही यहाँ पे सभी समाज के लोग आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद एक अलग शांति मिलती है। ये परिसर देखो आप, किस प्रकार से हरियाली छाई है, इसमें पूरी तरह हरियाली चाहिए। और जैसे भी जैसी हम इस यानी इस सरोवर में हम प्रवेश करते हैं तो दो हाथी हमारा स्वागत करते हैं। देखिए ये सफेद कलर के आर्टिफिशियल हाथी है जो हमारा स्वागत करते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। ये आर्टिफिशियल हाथी है और ये हमारा स्वागत करने के लिए रखा गया है। और ये देख सकते यहाँ पे ये वेलकम लिखा है। यहाँ हम विश्व शांति सरोवर है उस वहां पे प्रवेश कर रहे हैं, ये उनका प्रवेश द्वार देख सकते हैं आप। हमने अभी प्रवेश किया है यहाँ पे और लिटरेचर यहाँ पे, यानी जैसे ही प्रवेश किया हमने तो यहाँ पे एक लिटरेचर है या किताबें है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो नॉलेजेबल किताबें है यहाँ पर जो ब्रह्म कुमारी जी के इस पर आधारित है। और ये देख सकते किस प्रकार से सुंदरता छाइए इस परिसर में, मैं बताना चाहूंगा आपको। ये एक नई सोच या अलग अलग सुविचार लिखे गए हैं। ये दीदी पुष्परानी सभागृह है, ये भी बताइए दीदी पुष्परानी सभागृह है। और एक यहाँ पे सुविचार भी आप देखिए, एक नई सोच आपकी दुनिया बदल सकती है, अपने जीवन को पवित्र बनाना ही सच्ची समाज सेवा है, पवित्रता के बिना श्रेष्ठ चरित्र की कल्पना व्यर्थ है, चिंता और तनाव सभी रोगों की जड़ है। ऐसी अलग अलग सुविचार यहाँ पे लिखे गए हैं। और यहाँ देख सकते आप जो मेन है, मेन ये जो बताया गया है यहाँ पे सभी देवियों की यहाँ पे प्रतिमाएं यहाँ रखी गई है, सुंदरता यहाँ पे पूरी तरह दिखाई दे रही है। और अभी हम आपको ऑडिटोरियम रूम में लेके जाएंगे, जरा इधर आइए। ये यहाँ का नक्शेदार काम बताइए आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जैसे हम प्रवेश कर रहे तो यहाँ पे दो मोर जो है उसकी प्रतिमा है और ये नक्शेदार आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ यहाँ अंदर, देखिए हमने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही यहाँ पे लिखा है फोटो लेना मना है, फोटो लेना मना है, लेकिन हमने परमिशन ली है। आप जरा इधर विराजमान होइए, हम आपसे थोड़ी जानकारी लेंगे। या लिखा है फोटो लेना मना है लेकिन हमने परमिशन ली है, आपका परिचय दीजिए। मैं बीके प्रकाश भाई, यहाँ पर ईश्वरीय सेवा के लिए आज संडे है तो आए हैं हम। और जो भी हमारे बाहर के आते हैं टूरिस्ट या फिर जिज्ञासु है, उनको हम ये स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी का पूरा ज्ञान देते हैं कि हमारे पूर्वज और हमारे इतिहास क्या है, जो 5000 वर्ष का परमात्मा ने हमें सुनाया है वो, औरों को भी सबको ज्ञान मिले। और जो हमारा तीसरा नेत्र बंद है वो परमात्मा आकर हमें खोलने के लिए ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, जिसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, गीता ज्ञान कहते हैं, जो सत्य ज्ञान है, जो हम सबको राजयोग द्वारा हम रोज मेडिटेशन करते हैं। और यहाँ पर हम जो वसंत नगर में जो हमारा मुख्य नागपुर का सेंटर है, जो उसके अंडर 16 सब सेंटर यहाँ पर कार्यरत है, उसके हमारी जो बड़ी दीदी है रजनी दीदी
और वो पूरा संचालन करती है नागपुर जोन का। और हम रोज वहाँ पर सुबह 6:30 बजे मेडिटेशन के लिए जाते हैं, 7 बजे स्पिरिचुअल नॉलेज सुनते हैं, और फिर दिन भर भी हम परमात्मा की याद में रहते हैं और उनकी शक्ति का अनुभव करते हैं, और फिर हमारे में वो प्रफुल्लता दिव्यता आती है। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा, दीदी हमारे साथ में, दीदी आपका क्या नाम है? मैं ब्रह्मा कुमारी मनीषा बहन, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में यहाँ नागपुर केंद्र पर 35 सालों से सेवा देती हूँ। दीदी ये जो गैलरी है इसमें यानी इसका क्या महत्व है, एक एक हमारे दर्शकों को बताइए। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय एक आध्यात्मिक विद्यालय है, आणि इस आध्यात्मिक विद्यालय के अंदर हमारे मानव जीवन के अंदर अध्यात्म का क्या महत्व है, क्योंकि हम सोचते कि अध्यात्म माना जीवन से कुछ हटके विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इंसान ने अपने जीवन में जो शांति को खो दिया है उसका यही कारण है कि हमने अध्यात्म को अलग कर दिया है। दीदी ये जो प्रतिमा रखी गई यहाँ पे जो इसका क्या अर्थ है? यही हम बताना चाहते हैं कि एक अध्यात्म को जीवन में रोजमर्रा जीवन में कैसे अपनाना चाहिए, उसके लिए हमारे विचार कैसे होने चाहिए, उसके लिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यही बात इसके द्वारा हम दिखा रहे। इसमें दिखाया है कि ये 5 तत्वों के जो पंच इंद्रियों के घोड़े को चलाने वाला एक इंसान है, इस शरीर को ही हम अपना अस्तित्व मान लेते हैं और अपना अलग अलग परिचय अलग अलग लेबल को लगा करके मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, ये हम बताते हैं। लेकिन मानव जीवन की असलियत यदि देखा जाए तो इस हड्डी मांस के जड़ शरीर के भीतर जो एक शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है, आत्मा है, वो माना मैं हूँ। तो जब ये एक भान आ जाता है कि मैं शरीर को चलाने वाली, शरीर की मालिक हूँ, तो वहां पर शरीर के इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करके चलना है, ये एक कला अध्यात्म भी सिखा देता है। यहाँ पे इसमें भी दिखाया है कि आज ईश्वर के विषय में जो अलग अलग मत मान्यताएं हैं, इसलिए आज जैसे कोई कहता है कि देवताएं माना ईश्वर, संत महात्माएं माना ईश्वर, प्रकृति ही ईश्वर, ऐसे अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन ईश्वर का परिचय जब वो स्वयं इस धरती पर आते हैं, जैसे गीता में कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म ग्लानी के समय मैं यहाँ इस धरती पर आता हूँ। कुरान में भी या इसमें बाइबल में भी ऐसे कुछ संकेत, ईश्वरीय संकेत दिए गए हैं कि परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होता है तब वो अपना परिचय देता है। तो ये परिचय इसमें दिखाया है। और देखा जाए तो परमात्मा या ईश्वर एक ही है। आज अलग अलग धर्म, ये तो एक संसार की, एक मानव जीवन की एक ही भिन्न भिन्न पहचान है, विविधता, विभिन्नता। लेकिन एक ईश्वर अब कौन होना चाहिए? कोई भी धर्म का व्यक्ति यही कहेगा कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन वो कौन हो सकता है कि जिसके लिए बताया गया कि वो एक सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए, वो सर्वमान्य भी होना चाहिए, वो सर्वोपरि माना सबसे न्यारा प्यारा भी होना चाहिए, सर्वशक्तिवान भी। और जब कोई बात समझ में नहीं आती तो हम क्या कहते हैं, ये तो भगवान जाने, इसका मतलब भगवान सब कुछ जानता है, ऐसी हम मान्यता रखते हैं। तो ये जो 5 क्वालिटी है जिसमें हो सकती है, उसको हम ईश्वर का एक अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो सभी धर्मों ने इसे स्वीकार किया है कि परमात्मा एक निराकार शक्ति है, उसका कोई भी साकार शरीर नहीं। अब यहाँ पर हमने दिखाया है ये सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया है, जैसे ये समय परिवर्तन का चक्र यहाँ दिखाया है। चक्र में जैसे वेदर का साइकिल होता है, प्लांट का साइकिल होता है, या फिर प्रकृति के भी समय समय के ऋतु परिवर्तन का चक्र, तो ऐसे ही ये संसार चक्र के परिवर्तन का राज यहाँ पर हमने दिखाया है, जिसमें अभी का जो ये कलयुग का जो वातावरण, ये दृश्य जिसकी अति हम देख रहे हैं समाज में, तो किसी भी बात की जब अति हो जाती तो उसका अंत होकर के एक नया परिवर्तन आरंभ होता है। तो आज कलयुग के अंतिम चरण में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर इस परमात्मा के रचे हुए यज्ञ के अंदर हम अपने अंदर की बुराइयां, जैसे यज्ञ में दिखाई है कि आलस, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, ये सारी नकारात्मक वृत्तियां जब इस यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं तो हमारे अंदर के जो दैवत्व के जो गुण होते हैं वो उभर कर आते हैं, और फिर आने वाले नए स्वर्णिम संसार की तरफ, सतयुग की तरफ हम मार्गक्रमण करते हैं। और आने वाला कल का जो समय होगा वो इस प्रकार से होगा जिसको स्वर्णिम युग, सतयुग कहा गया है, जहां पर हर मानव का जीवन जो है वो मूल्यनिष्ठ जीवन पद्धति होगी। आज मानव के नाते जो मानवीय मूल्य की अपेक्षा हम एक दूसरे से करते हैं, वो मूल्य इन
इन मानव में होंगे आने वाले कल के, और इसी देवी गुणों के आधार से उन्हें देवता कहा जाएगा। तो ऐसा वो आने वाला कल होगा जहां पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक विचार, इस प्रकार की वो दैवी संस्कृति अभी बहुत जल्दी आने वाली है, और उसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करके, और अपने आप को भी और साथ में समाज को भी, हमें सबको मिलकर हमको प्रयास करना बहुत जरूरी है। उसी का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया कि आने वाले कल में कैसे एक मानव का जीवन मूल्यनिष्ठ होगा, जहां पर हर प्रकार की संपन्नता होगी और हर एक के विचारों में एकता होगी, इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार के कलह क्लेश ऐसा कोई वातावरण वहां नहीं। यहाँ पर भी सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया दिखाई है, जैसे ये एक कल्प वृक्ष कहा गया है, तो संसार रूपी वृक्ष जिसमें चार युगों का वर्णन उसके तने में दिखाया है, और वर्तमान समय जो चल रहा है वो एक तरफ से ग्रह युद्ध, प्रकृति के द्वारा आने वाली आपदाएं, और तीसरा सिविल वॉर, इसके द्वारा आज ये परिवर्तन हो करके पुनः आने वाला नया स्वर्णिम संसार आएगा। लेकिन आज का मनुष्य एक अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है, समय के लिए उसे जागृति नहीं कि समय अनुसार हमें क्या करना चाहिए, और इसीलिए कुंभकर्ण का एक स्टैचू यहाँ पर हमने दिखाया है कि आज हमारे भीतर के कुंभकर्ण को हमें आज जगाने की आवश्यकता है, और इसीलिए परमात्मा का अवतरण इस धरा पर हुआ है। यहाँ पर इस चित्र में भी यही दिखाया कि इंसान अपने जीवन का कितना समय कैसे कैसे व्यर्थ गवा देता है, और समय अनुसार आज हमें जागृति की जरूरत है। तो ये सब यहाँ पे, यानी मानव जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, ये सब यहाँ पे इस गैलरी में बताया गया। हमारा यही एक प्रयास है कि इंसान कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग में अपना सेवाएं दे रहा हो, लेकिन हर इंसान की पहली पहचान एक मानव ही है, और इस नाते से आज हर इंसान को जो वर्तमान में एक नकारात्मक वातावरण से घिरा हुआ जीवन है, इससे थोड़ा हट करके जैसे एक कीचड़ के अंदर कमल खिलता है, ऐसे ही अपने जीवन को एक स्वच्छ, सुंदर और सुगंधित बनाने का लक्ष्य हर व्यक्ति अपने आप में ले, हर व्यक्ति इसके लिए जाग जाए, यही हमारा प्रयास। दीदी यहाँ पे वो स्वर्ग भी बताया गया है, नेत्रा युग भी बताया गया है। परिवर्तन को एक सीढ़ी के रूप में दिखाया है, जैसे समय का जो चक्र होता है ये चार युगों के दौरान परिवर्तन होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो इसको कैसे कैसे उत्थान और कैसे कैसे पतन होता है ये यहाँ पर दिखाने का प्रयास हमने किया। यहाँ पे यानी प्रतिदिन कितने लोग आते हैं और कहाँ कहाँ से यहाँ पे आते हैं? हमारा जो भारत में जो है, हमारे करीब 4,500 सेवा केंद्र और उपसेवा केंद्र है, और हमारा हेडक्वार्टर जो है वो माउंट आबू में राजस्थान में है। अच्छा, माउंट आबू राजस्थान का हेडक्वार्टर जी, और नागपुर के अंदर हमारे 15 सेंटर से लोकल में, और हर सेंटर पर डेली क्लास होते हैं, क्योंकि शुरू में तो हम एक बेसिक समझा देते हैं 7 दिन के कोर्स के द्वारा, और उसके बाद उन बातों को हम डे टू डे लाइफ पे कैसे इम्प्लीमेंट करें उसके लिए फिर रोज का क्लास होता है। इस जगह पर हमने ये दिखाने का एक प्रयास किया है कि जैसे गीता के बारे में हम सुनते हैं कि गीता का जो संदेश है वो श्री कृष्ण के द्वारा सिर्फ एक अर्जुन को नहीं, जो एक ही अर्जुन रथ में बैठाया हुआ हम देखते हैं, एक अर्जुन की बात नहीं, लेकिन एक संसार का ही उद्धार करने का जो एक लक्ष्य भगवान का था, उस उद्देश्य के को लेकर के जो गीता का ज्ञान दिया गया वो अर्जुन अर्थात ज्ञान को अर्जन करने वाली हर मानव मात्र के लिए था, हर एक के लिए वो मैसेज था। लेकिन गीता में जैसे कई बातें इस प्रकार से, जैसे हिंसा, हिंसात्मक युद्ध दिखाया गया है, महाभारत का युद्ध जिसमें 5 पांडव और 100 कौरवों के बीच और तीसरी यादव सेना, इन 3 सेनाओं के बीच लड़ा हुआ ये युद्ध का वर्णन आता है। लेकिन यहाँ पर हम आध्यात्मिक रीति से ये बात स्पष्ट करते हैं कि ये युद्ध हिंसक युद्ध नहीं था, हिंसक नहीं था, लेकिन ये एक अहिंसक युद्ध था कि जो मानव मात्र के भीतर जो संघर्ष चल रहा है आज, एक अच्छे और बुरे संस्कारों का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को हमने, ये जो वो अर्जुन है और ये कृष्ण है, जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं युद्ध के बारे में जी। तो संसार में होने वाला ये वर्तमान का युद्ध है, जहाँ एक सकारात्मक प्रवृत्ति के लोग जैसे 5 पांडव दिखाए थे, तो ये केवल बहुत थोड़े मुट्ठी भर लोग आज दिखाई देते हैं,
और नकारात्मक प्रवृत्ति का वातावरण बहुत ज्यादा है, लेकिन इस युद्ध में विजय तो पांडवों की ही दिखाई है। तो इससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आज नकारात्मक प्रवृत्ति के बादल आने वाले समय में निकल जाएंगे और एक अच्छी प्रवृत्ति के आधार से जहां संस्कार परिवर्तन की प्रक्रिया अध्यात्म के द्वारा और राजयोग के द्वारा जो होगी, इससे आने वाला जो कल होगा वो एक स्वर्णिम प्रभात लेकर के आएगा। ये जो प्रतिमा है ये राजयोग के लाभ की प्रतिमा जी। राजयोग अर्थात एक सर्वश्रेष्ठ योग, और योग शब्द का अर्थ यदि देखा जाए तो जोड़ या संबंध। वैसे देखा जाए तो हर इंसान योगी है, कहीं ना कहीं व्यक्ति से, स्थान से या किसी चीज से हमारा संबंध संपर्क होता ही है। लेकिन यह राजयोग माना ईश्वर के साथ हम कैसे संबंध जोड़े, और उनके द्वारा जैसे कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाता है तो हाथ जोड़ के भगवान को क्या कहता है कि हे ईश्वर तुम ही मेरे माता पिता स्वामी सखा, कहता तो है लेकिन प्रैक्टिकली उस संबंध का अनुभव, वो रिश्ता और उसके द्वारा होने वाली प्राप्ति का अनुभव कितना होता है? नहीं होता, ऐसी बात नहीं, अन्यथा व्यक्ति भगवान के पास जाता ही नहीं या नतमस्तक होता ही नहीं। लेकिन आज पिता का संबंध, माँ का संबंध, मित्र का संबंध, इतने घनिष्ठ संबंधों का वर्णन करने के बाद भी वो प्राप्ति हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन हमारा लूज है। तो इसीलिए राजयोग अर्थात स्वयं परमात्मा द्वारा सिखाया गया जो योग है वो यहाँ पर, और यहाँ पर हम जैसे कहा कि हर व्यक्ति को, घर ग्रस्त में रहने वाले हर व्यक्ति को हम ये राजयोग सिखाते हैं, और इसीलिए प्रवृत्ति का प्रतीक एक युगल जोड़ा यहाँ पर हमने दिखाया है। और इस राजयोग के चार स्तंभ ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, सत्संग की, जिसके आधार से ये राजयोगी जीवन की नींव मजबूत होती है, और राजयोग से होने वाले ये लाभ और हमारे भीतर की जो शक्तियां हैं राजयोग के द्वारा नियमित अभ्यास से कैसे विकसित होती है वो भी यहाँ पर, जैसे परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की, समेटने की, या फिर विस्तार को संकीर्ण करने की, सहयोग की, सामना करने की या निर्णय करने की, ये शक्तियां भी हमारे अंदर से उजागर होती है। वहाँ पे एक 3D हॉल है ये आपका, और वहाँ पे 3D हॉल में भी आपने पूरा नॉलेजेबल दिया है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ अलग अलग विषयों पर 3D के, हम इधर थोड़ा सा बैठेंगे, आइए ना दीदी। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अभी 3D हॉल में आए हैं। क्या इस 3D हॉल के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? हमारा एक प्रयास है कि अलग अलग माध्यमों के द्वारा हम एक अध्यात्म और राजयोग का जो ज्ञान है वो हम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाए। तो यहाँ पर ये 30 सीट का ये एक 3D हॉल है, और यहाँ पर 3D के कुछ 5-7 मिनट के या 10 मिनट के अलग अलग विषयों के शो हम दिखाते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है ये 3D हॉल है, और इस प्रकार से ये चश्मा पहन के ही हम देख सकते हैं इसको। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। ये जो है साउंड थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा साउंड कम कीजिए। 3D है, 3D चश्मा पहन के ही इसे देखा जा सकता है। जो ब्रह्म थोड़ा सा आगे आप देख सकते किस प्रकार से यहाँ पे, यानी पूरी तरह बताया जा रहा है कि मानव जीवन किस प्रकार से है और किस प्रकार से यानी मनुष्य ने किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, इसका इस बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। देखिए ये किस प्रकार से समय चक्र है, ये क्या है? ये इसमें समय चक्र के बारे में बताया है कि संसार के अंदर समय समय पर कैसे परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन के अनुसार ही इसे अलग अलग युगों का नाम दिया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और अभी जो समय चल रहा है ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, और इसके बाद आने वाला जो समय ये एक स्वर्णिम संसार होगा। इसे चश्मा पहन के 3D रहने के कारण उसे चश्मा पहन के देखा था जी, क्योंकि ये जो फिल्म है वो 3D फिल्म है, इसलिए इसे चश्मा पहन के ही देखा जा सकता। मैं बताना चाहूंगा कि ये अत्याधुनिक एक स्टेडियम है,
3D स्टेडियम हॉल है जहाँ पे पूरी तरह आपको मैंने अभी जो बताया आपको वीडियो के माध्यम से जो दीदी ने भी आपको जानकारी दी है वही ये 3D हॉल है, अत्याधुनिक 3D हॉल है। और खास करके मैं बताना चाहूंगा कि नागपुर का जो VCA जामठा में है जस्ट उसके ही बाजू में ये ब्रह्म कुमारी का एक बहुत अच्छा एक धरोहर है। मैं आगे भी आपको और कुछ जानकारी दिखा बताना चाहूंगा। ये जो है ये सेमिनार हॉल है दीदी, यहाँ पे सेमिनार होता है ना? जी, अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए यहाँ पर ग्रुप ग्रुप में प्रोग्राम होते हैं। आज वैल्यूज इन हेल्थ केयर करके एक यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था पीस के मॉडल पर, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा अनुभव किया। ये दीदी पुष्परानी सभागृह है, हम वहां पे भी जा रहे हैं, देख सकते किस प्रकार से दीदी पुष्परानी ये सभागृह है। और इसका यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की यानी ये भी एक ऑडिटोरियम समानी है और यहाँ पे भी मेडिटेशन होता है। दीदी आप थोड़ा सामने आ जाइए ना, आप इसका थोड़ा सा क्या है ये थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। छोटे बड़े हॉल है, ऊपर में जो हॉल है वो करीब 2500 से 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था का है। और ये हमारा पुष्पारानी दीदी जी सभागृह जो हमारे बड़े दीदी जी के स्मृति में हमने बनाया है, और ये भी 500 की कैपेसिटी का हॉल है। और इसके अलावा 90 या 100 लोग बैठ सके ऐसे 2 सेमिनार हॉल भी है। इसके अलावा मेडिटेशन रूम भी है यहाँ पर, और बहुत एक सुंदर शांत और रम्य परिसर यहाँ पर एक आध्यात्मिक वातावरण बनाया हुआ है मेडिटेशन के द्वारा। ये सभी हमारे वरिष्ठ दादियां हैं जिन्होंने इस विद्यालय की सेवाओं का बीजारोपण करके, फिर पिताश्री जी जो हमारे इस विद्यालय के संस्थापक थे उनके साथ मिलकर की इन सेवाओं को आज इस नया अंजाम दिया है, इतनी सेवाओं को बढ़ाया है। आज भारत के अंदर भी करीब 3500-4000 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र कार्यरत है, और माउंट आबू में हमारा हेडक्वार्टर है। इसके अलावा भारत से बाहर 140 देशों में हमारी सेवाएं चलती है। भारत में 140 यानी बाहर भी 140 देशों में सेवाएं चलती ब्रह्म कुमारी। हाँ जी निश्चित ही। और भी मैं आपको हॉल में लेके चलूंगा, ये हॉल ऊपर है ना? हाँ, 3000 लोगों के बैठने। अच्छा अच्छा, एक बहुत बड़ा हॉल यहाँ पे है जो 3000 जो लोग है यहाँ बैठ सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ब्रह्म कुमारी विश्व सरोवर के मेडिटेशन हॉल में मैं अभी हम लेके चलते हैं। ये यहाँ पे 3000 लोग यहाँ पे यानी यो मेडिटेशन कर सकते हैं, देख सकते कि कितना बड़ा ये मेडिटेशन के लिए बनाया गया ये हॉल है। कितनी कैपेसिटी है बताया गया कि 3000 है? हाँ, यहाँ पर जो हमने राजयोग जो हमारे शिविरार्थी है वो आकर करीब 3000 लोगों को बैठने की व्यवस्था यहाँ पर हमने बनाई हुई है। और यहाँ पर जो हमारे 16 सेंटर है नागपुर और सब जोन में, तो यहाँ पर सब भाई बहने आकर हम बड़ा फंक्शन जब होता है हमारे जो विविध कार्यक्रम होते हैं जो त्योहार होते हैं तो उस समय हम सब इकट्ठा होते हैं और हम मास मेडिटेशन यहाँ पर करते हैं। और फिर यहाँ पर हम राज्यों का और जो भी हमारे शिविर होते बाहर के लोगों के लिए तो यहाँ हम इकट्ठा उनके लिए सेमिनार भी करते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं। और फिर यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी हमारे शिविरार्थियों की है और किचन भी है हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर आकर लाभ ले सकते हैं। तो ये हॉल का जो नाम है इसको हारमोनी हॉल कहते हैं जो हमारा ब्रह्म कुमारी इसका बना हुआ है नागपुर में, इसको हम रिट्रीट सेंटर भी कहते हैं नागपुर का, इसे हारमोनियम हॉल भी कहते हैं। जी हारमोनी हॉल है ये, यहाँ पर जो है मेडिटेशन के लिए यहाँ पर सब भाई बहने आकर 7 दिन का जो कोर्स होता है हमारा जो विनामूल्य होता है और सब आकर यहाँ पर राज्य क्या विधि है उसकी और कैसे परमात्मा के साथ जुड़े और उसके कैसे हम वार्तालाप करें, उसके कैसे शक्तियाँ प्राप्त करें, यहाँ पर हम विनामूल्य उनको 7 दिन का कोर्स कराते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो सबके लिए फ्री है, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, कोई भी प्रांत का यहाँ पर भेदभाव नहीं है और सबके लिए फ्री है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दी है जो नागपुर के जामटा जो स्टेडियम है उसके बगल में ही ये ब्रह्म कुमारी का विश्व शांति सरोवर है। यहाँ पे किस प्रकार से
यानी लोग यहाँ पे आते हैं, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं और मेडिटेशन के लिए खास करके यहाँ पे आते हैं। और या इसका क्या महत्व है हमने आपको पूरा बताया है, जीवन किस प्रकार से जिया जाए इसका महत्व भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, 7 दिन का कोर्स भी होता है। और यहाँ पे ये जो है 3000 कैपेसिटी का ये हॉल है और इसके माध्यम यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है जो कि एक मानव जीवन को जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, यहाँ पे यानी कब कब मेडिटेशन के लिए आते हैं लोग साल में? यहाँ पर जो हमारे जो संस्थापक है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनका हम 18 जनवरी को जो फंक्शन होता है वो यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसे महाशिवरात्रि का जो परमात्मा का अवतरण दिवस है उसका भी हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सब हमारे सेंटर के भाई बहने यहाँ पर आते हैं और इकट्ठा हम महाशिवरात्रि मनाते हैं और मेडिटेशन करते हैं और सबको हम बधाई देते हैं। तो निश्चित ही एक बार अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो जो नागपुर के जाम विशेष स्टेडियम है उसके बाजू में, जो यानी जामठा में स्थित विशेष स्टेडियम है उसके बाजू में ही बगल में ही ये ब्रह्म कुमारी इसका विश्व सरोवर है, यहाँ पे अवश्य भेज दीजिए और यहाँ पे मेडिटेशन भी कीजिए। और मेडिटेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आना आपके बहुत जरूरी है। एक बार अगर यहाँ आप मेडिटेशन करते हो तो जीवन जीने का मार्ग आपको पता चलेगा। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।